साथ वाले घर से किसी ने हमें इतला दी कि स्मेल आ रही है। मैं फिल फोर वहाँ मौके पर पहुँचा तो जब हमने कमरा खोल कर देखा कि ये जो खून के टिपके हैं ये एक पेटी की तरफ जा रहे हैं, हमने पेटी को खोल कर देखा एक बच्चा जो बहुत ही मासूम था और उसकी वालदा उसमें उल्टी पड़ी हुई थी। जब हमने मालूमात ली रहने वाला कौन है, इसका घर वाला है कहाँ, तो उन्होंने कहा ये किसी डेरे पे काम करता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ने हम जब इसका पता किया तो वहाँ से ये जा चुका था, किसी और जगह ये शिफ्ट हो रहा था, यहाँ से भागने की तैयारी में था। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने बिल्कुल इसको महसूस नहीं होने दिया कि हम क्यों हैं, लेकिन इसकी जो परेशानी थी वो बता रही थी कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये छुपा रहा है। जब घर पहुँचे तो इसने जो ड्रामे किए कि मेरे वो बच्चों को किसने मार दिया, ये मेरे साथ जुल्म किसने किया, ये कैसे हो गया, इन जालिमों को पकड़ो, इसको ड्रामे को देखते हुए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे करके तसल्ली दे के अपने तरीके से कुछ सवाल जवाब करने के बाद हमें शक पड़ गया, बल्कि यकीन हो गया कि इस जालिम ने ही अपने बच्चे अपनी बीवी का बेदर्दी के साथ कत्ल किया। और जब इससे वजह पूछी गई, रिवायती जो बात है कि मैंने जनाब मुझे शक था कि ये मेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं, इस वजह से मैंने इन दोनों को कत्ल कर दिया।